नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा भाग है। हमें इसमें द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। तो दूसरा भाग है 2x² + x - 6 = 0। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे जो पहला काम है बच्चों, हमने बताया था क्या था, x² के साथ वाला गुणांक और बिना x वाली जो रकम है उसका गुणांक, इन दोनों को हम आपस में गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर x² के साथ जो गुणांक है वो है 2 और बिना x वाली जो रकम है वो है -6। तो हम गुणा कर देंगे 2 को -6 से, तो 6 दुनी होता है 12 प्लस इनटू माइनस होता है माइनस, तो ये हमारे पास आ गया है -12। अब इसमें से हम 12 लेंगे, 12 के फैक्टर देखेंगे। 12 किस किस के पहाड़े में आता है? देखो 12 आता है 1 × 12 = 12, 2 × 6 = 12 और 3 × 4। ऐसे जितने भी पहाड़ों में ये नंबर आता होगा वो सारे लिखेंगे। अब आप 4 × 3 यहाँ नहीं लिखोगे, क्योंकि 4 भी लिख लिया, 3 भी लिख लिया, तो जो एक बार लिख लिया उसको दोबारा नहीं लिखना है। अब अगला काम ये है, हमने देखना है कि ये 3 जोड़े हैं, एक है 1 और 12, दूसरा है 2 और 6, तीसरा है 3 और 4। हमें देखना है कि इन तीनों में से किस जोड़े को प्लस या माइनस करके ये बीच वाला गुणांक बनता है। अब देखिए यह है एक्स, इसके साथ यदि कोई गुणांक नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर इसके साथ गुणांक है 1, है ना बच्चों? तो अब हमें देखना क्या है कि इन तीनों जोड़ों में से किसको प्लस या माइनस करके 1 बनता है। देखो 12 में 1 प्लस करो 13, 12 में से 1 माइनस करो 11, इसका मतलब ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो 1 चाहिए। 6 में 2 प्लस करो 8, 6 में से 2 माइनस करो 4, इसका मतलब हमें ये भी नहीं चाहिए। आगे है 4 और 3, 4 में 3 प्लस करो तो 7, 4 में से 3 माइनस करो तो 1, हमें भी तो 1 चाहिए ना, इसका मतलब हमने ये वाला जोड़ा खरीदना है, खरीदना है कह रहा हूँ सॉरी, हमें ये वाला जोड़ा लेना है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम करेंगे क्या, पहली रकम को ऐसे ही लिख देंगे, ये मैंने पहले भी आपको समझाया था। आखिरी जो है ये -6, इसको भी ऐसे ही लिख देंगे = 0, इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। अब रहेगी सिर्फ बीच वाली रकम, बीच वाली रकम की जगह हमने जो जोड़ा लिया वो लेंगे 3x और 4x। इसमें से मैं 2 के साथ 4 रख देता हूँ, तो ये बन गया 4x और 3x। ठीक है बच्चों, अब इनके साथ अभी निशान लगाने बाकी हैं। निशान कैसे लगेंगे, वापिस आ जाते हैं हम यहाँ पर, हम देखेंगे इस 12 के साथ प्लस है या माइनस। यदि यहाँ प्लस होगा तो इन दोनों के निशान एक जैसे होंगे, एक जैसे मतलब या दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। लेकिन यदि यहाँ पर है माइनस, जैसा कि इस केस में आप देख रहे हो यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब इनके निशान उल्टे होंगे। उल्टे यानी कोई भी एक प्लस का होगा और कोई भी एक माइनस का होगा। अब कौन सा प्लस और कौन सा माइनस होगा वो देखने के लिए हम यहाँ देखेंगे 1x। ये है 1x, इसका निशान कौन सा है, प्लस। तो इन दोनों में से बड़ी रकम के साथ आएगा प्लस, छोटे के साथ आएगा माइनस। 4x और 3x में से बड़ी रकम है प्लस, तो इसके साथ आ गया प्लस, और छोटी है 3x, उसके साथ आ गया माइनस। अब हम इसे आगे हल करेंगे। आप सोचोगे कि मैंने 3x को 2 के साथ क्यों नहीं रखा, क्योंकि फिर इसमें से कुछ कॉमन नहीं आता। ठीक है, तो आइए हम इसे आगे हल करने की कोशिश करें। यह है 2x² + 4x। आप देख पा रहे हैं हमने इनके दो पेयर बना लेने हैं, पहला पेयर ये और दूसरा पेयर ये, दूसरा जोड़ा ये। ठीक है, इन दोनों में से क्या क्या कॉमन आ सकता है, ये भी 2 के पहाड़ में आता है, ये भी 2 के पहाड़ में आता है, तो इसका मतलब एक तो 2 कॉमन आ गया। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो 1x दोनों में कॉमन आ गया। बाकी क्या बचा, 2x² में से 2 बाहर चला गया, x² में से 1x बाहर चला गया, और बाकी बच गया एक्स। प्लस 4x था, 4x में से 2x कॉमन। देखो करते क्या है, इसको जो कॉमन लिया उससे भाग कर दूं, x से x कट गया, 2 से 4 कट गया, 2 2 बचा कितना 2, इसका मतलब यहां आ गया 2। अब हम इस पेयर की बात करें, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो एक तो माइनस कॉमन, ये दोनों ही 3 के पहाड़े में आते हैं, ये भी 3x 3 के पहाड़े में आएगा, ये भी 6 3 के पहाड़े में आएगा, तो 3 कॉमन ले लेंगे। -3x में से -3 बाहर चला गया, बाकी बच गया x। -6, ये है -6, इसमें से -3 कॉमन ले लिया, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 से 6 कटेगा, 3 दूनी 6, तो कितना बचा हमारे पास, 2 बचा, और 2 के साथ माइनस नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है, ये बचा।
अब फिर से आप देखेंगे इस पेयर में x प्लस टू है, इस पेयर में भी x प्लस टू है, तो इसका अर्थ यह है कि x प्लस टू कॉमन आ गया। अब आप ध्यान से देखना, इसको मैंने छुपा लिया, इस रकम में से x प्लस टू तो कॉमन आ गया, बाकी कितना बच गया, 2x बच गया। इसी प्रकार से इस रकम में से देखो, x प्लस टू तो बाहर कॉमन आ गया, x प्लस टू तो बाहर कॉमन आ गया ना बाहर, ये बाहर कॉमन आ गया, बाकी इसमें कितना बच गया, x प्लस टू बाहर चल गया, बाकी बच गया -3। इसके साथ बराबर 0 है और इसके साथ भी बराबर 0 है, ये रफ वर्क है। दो ब्रैकेट्स आपस में गुना होकर यदि 0 बनाती हैं, इसका मतलब या तो पहली ब्रैकेट 0 होगी या दूसरी ब्रैकेट 0 होगी, तभी दोनों को गुना करने से 0 आ रहा है। तो यहां से देखिए, 2 इधर प्लस हो रहा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहां पर ये -3 है, जब ये ब्रैकेट से बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +3। 2x है बराबर 3, तो x कितना आ गया 3, 2x के साथ गुना हो रहा है उधर जाके हो जाएगा भाग, ठीक है जी। तो इसका अर्थ ये है हमारे पास दो हल आए हैं, दोबारा बोल रहा हूं, दो हल आए हैं इस समीकरण के, दो हल आए हैं, एक है x बराबर -2 और एक है x बराबर 3/2। लेकिन हमें प्रश्न में निकालने हैं मूल, क्या फर्क है हल में और मूल में, मैंने पिछले भाग में भी बताया था, x बराबर -2 x बराबर 3/2 ये है हल। यदि पूछा जाए समीकरण के मूल, तो आप लिखोगे समीकरण के मूल है, मूल के लिए हम एक्स वर्ड यूज नहीं करेंगे, सिर्फ -2, ठीक है। समीकरण के मूल है -2 कॉमा, और दूसरा मूल कौन सा है, 3/2। समझ आया बच्चों? यदि पूछा गया समीकरण के हल बताओ, तो आप बोलोगे जी समीकरण के हल हैं x बराबर -2 x बराबर 3/2, यानी x वर्ड बोलोगे। यदि आपसे पूछा गया समीकरण के मूल बताओ, तो आप बोलोगे समीकरण के मूल हैं -2 3/2, ठीक है बच्चों। ये फर्क है हल में और मूल में, ये इसके मूल आ गए जो हमें निकालने थे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ आएगा। यदि आपको वीडियो किसी भाग से ना समझ आए, तो उस वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर फिर से देखिए, तो आपको समझ आ जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आए, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जब आप लाइक करते हैं वीडियो को, तो हमें और मेहनत से वीडियोस बनाने की शक्ति मिलती है। धन्यवाद बच्चों।